आप परमेश्वर के सामने रोकर परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, शैतान ने मेरी जिंदगी में काम क्यों किया। क्योंकि बाइबल कहती है जब हम बाउंड्रीज के बाहर जाएंगे वहां पे परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ नहीं होती। अब हमें यह देखना है कि कहां पे हम परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, कहां पे हम परमेश्वर के वचन की बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि वचन की बाउंड्री के बाहर परमेश्वर की ना तो सुरक्षा की गारंटी है, ना तो उसकी बरकत की गारंटी है, और शैतान के पास लीगल राइट है उस व्यक्ति में रहने का। कई बार जब दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकाली जाती हैं तो वो दुष्ट आत्मा बोलती है कि मैं इसकी पुरानी फोटो में हूं, इसकी शादी की फोटो में हूं, जो ये फाड़ना नहीं चाहती क्योंकि इसकी मेमोरीज हैं, लेकिन उसमें शैतान का पूरा वास है, उसमें शैतानी चीजें हैं। और यही रीजन होता है कई लोग अपनी दुष्ट आत्माओं से डिलीवर नहीं होते, क्योंकि वो पास की उन मेमोरीज को भी रखना चाहते हैं जिनमें शैतान मिला हुआ है, ऐसी चीजें जो शैतानी हैं। शैतान के साथ हग करके आप शैतान को डांट नहीं सकते, आपको उसका एनिमी बनना पड़ेगा, वचन पे चलना पड़ेगा, और आप उसको डांटेंगे और वो जाएगा, और वो आपका सगा नहीं है। अच्छे लोगों को वो ज्यादा पकड़ता है, अच्छे बुद्धि वाले लोगों को वो ज्यादा डिप्रेशन में रखने की कोशिश करता है, अच्छे माइंड और अच्छी बुद्धि वाले लोगों को वो ज्यादा नशे में डालने की कोशिश करता है। अब हमेशा ये बात को नोटिस करेंगे, जितने लोग अच्छे होंगे शैतान का अटैक उन पे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि शैतान को आपकी अच्छाई पसंद नहीं। बाइबल कहती है वो हर एक अच्छी चीज को खत्म करना चाहता है, हर वो चीज जो परमेश्वर ने बनाई है वो उसको फिनिश करना चाहता है। उसे नहीं पसंद आपकी फैमिली ब्लेस हो, उसे नहीं पसंद आपकी मैरिज लाइफ में कोई रुकावट ना हो, उसे नहीं पसंद आपके घर में शांति हो, उसे कलेश पसंद है, उसे डाइवोर्स पसंद है, उसे पंगे पसंद है, उसे बीमारियां पसंद है। और बाइबल कहती है परमेश्वर से दूर रहना, उसके वचन को तोड़ना शैतान को लीगल राइट देता है कि यीशु मसीह भी उसे मना नहीं करते आपकी लाइफ में काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए 90% जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे अपने ही रॉन्ग डिसीजन और जीसस क्राइस्ट को फॉलो ना कर पाने का जो फेलियर है हमारा, उसी की